ऑफ करने वाले हैं हम 13 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है और जो ए बी है ये पैरेलल है डी सी के, ठीक है, और जो डायगोनल्स है ए सी बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। प्रूव दैट, प्रूव मुझे करना है कि जो ओ ए है ये ओ सी के इक्वल है, ठीक है, और ये जो मेरा ओ बी है ये ओ डी के इक्वल है, ठीक है जी। ये मुझे प्रूव करना है। यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इससे इस रिजल्ट से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला ट्राइंगल ए बी ओ और डी ओ सी को सिमिलर प्रूव कर देता हूँ। ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी को मैं क्या कर देता हूँ, ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है, ए बी इज डी सी के, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो एंगल ए बी ओ, ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, ओ डी सी, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये आप लिख लेना, स्पेस यहाँ पे है नहीं। फिर यहाँ पे देखो एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू ए बी ओ, सॉरी ए बी ओ तो हो गया, यहाँ पे एंगल बी ए ओ है ना, बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ठीक है। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, बड़ा इजी हो गया भाई, क्या बात है जी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो भाई ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एंगल एंगल एंगल, है ना। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए ओ होगा अपॉन ओ सी होगा और जो बी ओ होगा वो ओ डी होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो जो ओ ए या फिर ए ओ कितना है, 3x माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो ओ ए की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 19 अपॉन ओ सी की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू बी ओ या फिर ओ बी भी बोल सकता हूँ। ओ बी की वैल्यू है एक्स माइनस 4 और ओ डी की है 4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो बस अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 19 ब्रैकेट में 4 इधर बाहर, और ये हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 3, क्या बात है। मल्टीप्लाई करो इस 4 को पहले इस 3x से और फिर माइनस 19 से, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12x माइनस 4 9 जा 36, 3 4 1 जा 4 5 6 7 76 इक्वल्स टू, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, x से पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर इस माइनस 4 से फिर x को, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और फिर माइनस 4 से इस 3 को, माइनस 3 को, तो ये हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। ओके जी, ये हो जाएगा 12x माइनस 76 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा कितना आपका 7 8 9 और 4 5 6 7 7x प्लस 12, राइट। तो बस अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पे इक्वेशन क्या बनने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 12x प्लस 76, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88, राइट, इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पे देखो क्या बन गई मेरे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व करना और x की
दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपको आता है सॉल्व करना, तो देखो जो भी आंसर आएगा वो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो देखो कितना इजी हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट करते हैं।